सिन्हा की बेटी है जो पंजाब का खतरनाक गैंगस्टर है सर। आरजू आई एम सॉरी, मुझे अभी किसी जगह जल्दी पहुंचना है, इमीडिएट निकलना पड़ेगा जी। तुम्हें समझ छोड़ा है सर, लेकिन आपने मुझे कल्प्रिट्स का नाम तो बताया नहीं। कौन है? वो कोई और कल्प्रिट से, मुझे कोई गलत फहमी हो गई थी। सर आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? मतलब सर मुझे लगता है आप सच्चाई छुपा रहे हैं। आप पागलों वाली बात कर रही हूँ, उनके बारे में पता चलेगा मैं तुमको नहीं बताऊंगा क्या? फालतू टेंशन मत रखो, यकीन रखूंगी। यकीन रखूं आपका मैं? नहीं, मुझे नहीं यकीन है, मुझे किसी का भी यकीन नहीं है। कहीं आप उन्हीं लोगों में से तो नहीं है जिनसे मैं अभी तक मिली हूँ? ये मत समझिएगा कि मुझे पता नहीं चलता, समझे आप? क्या पता चला है तुम्हें? यही कि आपको लोगों का पता चल गया है, लेकिन आप मुझसे टाल रहे हैं, मुझसे छुपा रहे हैं। शायद वो लोग आपके पहचान वाले हैं, इसीलिए आप मुझे नहीं बताना चाहते। सर आपको मुझे बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि वो लोग। आरजू ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे अभी कहीं जाना है और इससे ज्यादा मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। बाय। सर गुड बाय मिस्टर रणबीर सिंह, आप चाहे तो मुझसे छुपा लीजिए, लेकिन ये आरजू राणा हर एक बात का पता लगा के रहेगी, हर सच्चाई से पर्दाफाश करके रहेगी। तो ये है मामला, इस टोनी सिंह का नाम पिछले 4 साल से हमारे लिस्ट पे सबसे ऊपर है और हम कुछ कर नहीं सकते, करें भी क्या, आधी से ज्यादा पुलिस फोर्स तो उसके बिकी हुई है। यू आर राइट सर। लेकिन ये राणा और टोनी सिंह का कनेक्शन क्या है और ये लड़की कंचन कौन है? हाँ सर वही, ये आए हैं इंस्पेक्टर जंग बहादुर चंडीगढ़ से, इन्होंने ही हम लोगों को बताया उनके बारे में। अच्छा थैंक यू वेरी मच। माइसेल्फ इंस्पेक्टर जंग बहादुर फ्रॉम लुधियाना। राणा साहब एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, पंजाब पुलिस पिछले 12 साल से उनके पीछे पड़ी है और 2 साल से तो मैं भी हूं। बहुत ऊंचे कनेक्शन है राणा साहब के, बहुत ही शातिर मुजरिम है राणा साहब, इतने दौलतमंद होते हुए भी बिल्कुल मिडिल क्लास बने रहते हैं। ओह आई सी। और टोनी सिंह, उसका बॉम्बे में एक होटल है और दिल्ली में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और कंचन उसको तो मैं गर्ल्स हॉस्टल चंडीगढ़ से जानता हूं, पृथ्वी नाम के लड़के के साथ भागी थी। पृथ्वी तो पकड़ा गया और कंचन पड़ गई राणा साहब के हाथों में, हालांकि कंचन राणा साहब की बेटी आरजू की क्लासमेट है। और आरजू को तो ये पता भी नहीं, कमाल का केस है। आप ये फाइल पढ़ेंगे ना तो आपको और भी बहुत सी बातें पता चलेंगी। मेरा तो एक ही मकसद है जनाब कि इस केस की तह तक पहुंचना। जब तक मैं राणा साहब कंचन और टोनी सिंह को जेल में नहीं डाल लेता मुझे चैन नहीं आएगा। कोई खास वजह है? पहला तो ड्यूटी और दूसरा, खैर कभी ऑफ ड्यूटी बात हुई तो बताऊंगा। आप बॉम्बे में इन पर नजर रखिए, मैं पंजाब में इन पर नजर रखूंगा, बस इतना ही कहने आया था सर। ओके यू हैव अ फ्रेंड। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एनेट। अरे देवयानी हाउ लवली। हाय एनेट। आंटी भी तो कह सकते हो। क्या फर्क पड़ता है सर, कब आई आप? कल आई, स्कूल में हॉलीडेज हो गए इसलिए आ गई। वेरी गुड, कब तक रहेंगी? पूरे 10 दिन और होटल भी आऊंगी रोज पापा के साथ। अच्छा है, जरूर आना। अच्छा मैं पार्क जा रही हूँ खेलने के लिए, मेरे लिए आप ठंडा भिजवा दोगी? जरूर भिजवा देंगे, और कुछ? बस थैंक यू। और मेरे लिए एक कॉफी, ब्लैक एंड नो शुगर। यू रिमेम्बर? तो भिजवा देती हूँ सर, तारा भी आने वाली होगी। आपको बताया था ना, वैसे वो आ ही रही होगी, लेकिन मैं मीटिंग फिक्स कर दूं। अरे कैसी मीटिंग यार, देखो मुझे कुछ मालूम नहीं है, तुम्हें मुझे इसके बारे में समझाना पड़ेगा, बिकॉज तारा तो अब आ नहीं रही आज। क्यों सर? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, 5-6 दिन की छुट्टी ली है उसने। ओके सर। लेकिन
तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो. राइट सर. नहीं, बेटर ये रहेगा कि तुम तारा को उसके घर पे फोन करके उससे बात कर लो. ठीक है सर. लेकिन जॉर्जी कोई प्रॉब्लम हो तो देन यू कम टू मी. ओके. राइट सर. थैंक यू वेरी मच. हेलो जॉर्जी, क्या हो रहा है? दीपक साहब को वाडियास के लॉन्च के बारे में समझाना है. अरे जब मुझे ही खुद पता नहीं तो मैं क्या समझाऊंगा, इसलिए तारा को फोन लगा रहा हूँ. अरे तो तारा को फोन लगाने की क्या जरूरत है, वो आती होगी. पता नहीं क्यों लेट हो गई आज. वो आने वाली नहीं है, छुट्टी पे है. क्या बात कर रहे हो, ऐसा कभी हो सकता है? जानते हो 102 फीवर में भी तारा ऑफिस में आई थी. वो कहती है कि वह ऑफिस आए बिना जी ही नहीं सकती. भाई दीपक साहब ने तो मुझे यही कहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो 5-6 दिन तक ऑफिस आने वाली ही नहीं है. क्या पागल जैसी बात कर रहे हो. अरे वो जरूर आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए. लग गया. हाँ. हेलो 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 हेलो. क्या हेलो हेलो कर रहे हो? किसी ने फोन उठाया है लेकिन बोल नहीं रहा. हेलो. हाय जॉर्जी. हेलो देवयानी. तुम कब आई? हेलो. कोई बोल ही नहीं रहा है. हेलो. देखो मेरे फ्लावर मैंने गार्डन में से तोड़े. हाँ वेरी क्यूट. हेलो. मैं पापा को दिखा के आती हूँ. हाँ हाँ दिखा दो दिखा दो. हेलो. सामने से फोन उठा रखा है लेकिन जवाब ही नहीं दे रहा है. हेलो हेलो. जॉर्जी मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है. क्या? कि तारा काम पे क्यों नहीं आ रही है और कोई फोन पे बोल क्यों नहीं रहा है. शायद देवयानी की वजह से. लेकिन क्यों? है कुछ टेंशन जॉर्जी. मुझे लगता है देवयानी तारा को दीपक साहब की लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है. नहीं तो तारा और ऑफिस ना आए. इट्स नॉट पॉसिबल. हो सकता है. बेचारी तारा को भी सफर करना पड़ रहा है लेकिन इसमें दीपक साहब भी क्या कर सकते हैं. बहुत अपसेट होगी वो, है ना? दीपक साहब भी बहुत अपसेट लग रहे हैं. लेकिन तारा पे बहुत बुरी बीत रही होगी. जो एक दिन होटल आए बिना नहीं रह सकती, 5-6 दिन नहीं आए कैसे जिएगी वो. और 5-6 दिन क्या, देवयानी तो यहाँ 10 दिन के लिए है. पता नहीं क्या होगा. दीपक साहब भी तो कुछ कर नहीं सकते ना इस मामले में. अच्छा तुम फोन तो नीचे रख दो, मुझे नहीं लगता वो कुछ बोलेगी बेचारी. अरे वो बोलेगी नहीं तो मेरा क्या होगा, मुझे तो वाडियास का कुछ पता भी नहीं है. मैं जाके दीपक साहब की केबिन में फाइल ढूंढता हूँ, कुछ मिलेगा तो बता दूंगा. सॉरी सर. क्या ढूंढ रहे तुम? सर वो वाडियास की फाइल, शायद तारा. हाँ वो फाइल यहीं कहीं रखी है फाइल. बट यू डोंट वरी अबाउट इट. उनसे कहो कि नेक्स्ट वीक रखे मीटिंग. नेक्स्ट वीक? सर नेक्स्ट वीक में तो वो फंक्शन है लॉन्च वाला. हमको कुछ नहीं करना है. क्या हम यहाँ उनके काम के लिए बैठे हुए हैं? सिर्फ उनसे कहो वेट कर सकते हैं तो करें वरना बाहर न जाए. लेकिन सर वो तो. लिसन जॉर्जी, आई डोंट केयर अबाउट एनी डैम थिंग. उनसे कह दो मीटिंग कैंसिल है और जैसा हमने डिस्कस किया था वैसी हो जाएगी उनकी लॉन्चिंग. ओके सर. सर एक दो बातें और पूछनी थी आपसे. क्या है? सर नए रेस्टोरेंट के लिए जो हमने चेयर्स का ऑर्डर दिया था वो रेडी हो गई है, उसका पेमेंट करना है बिफोर डिलीवरी. हाँ तो कर दो ना यार. दूसरी बात ये सर कि तारा शेरेटन से फैक्स आया हुआ है मॉरिशस से आने वाले लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी होटल्स में पैसा इन्वेस्ट किया है NRIs. उनको आज शाम को एंटरटेन करना होगा. ठीक है तुम संभाल लेना. लेकिन सर आपका होना जरूरी है. क्यों जरूरी है? मेरा होना क्यों जरूरी है यार, तुम संभाल लेना यार. ओके सर, थैंक यू. कुछ नहीं हुआ. तुमसे कहा था कि बाहर जाकर खेलो, तुम यहां आकर डिस्टर्ब कर रही हो मुझे. I'm sorry बेटा. I'm very sorry. लेकिन तुम कुछ करो ना, यूं खाली क्यों बैठी रहती हो? Do something. कुछ है नहीं, क्या करूं? अच्छा क्या चाहिए आपको? मुझे ड्राइंग बुक्स और क्रेयॉन चाहिए.
सर मॉरिशस वाले शेरटन से आपके लिए कॉल है, मिस्टर विष्णुदत्त आपसे बात करना चाहते हैं। कह दो कि मैं नहीं हूँ। लेकिन सर मैंने तो उनसे कह दिया कि आप हैं। अच्छा कह दो कि किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, मैं उन्हें बाद में फोन कर लूंगा। ठीक है सर। अच्छा और सुनो जी, ये दिव्यानी के लिए कुछ क्रेयॉन्स और ड्राइंग बुक्स खरीदना। इतने सारे सर? जितनी आए उतनी ले देना प्लीज। हाँ जाओ बेटा, आंटी ले देंगी। ठीक है बेटे, हम आपको। Tara, please. आपको कौन कौन से क्रेयॉन्स चाहिए? हाँ हम आपको Alex, सा... मेरा एक लंच पे बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन सर वो... देवयानी का ख्याल रखना, ये बोर ना। ओ गॉड सेक तारा, ऐसा मत करो। देखो कल जब छोड़ा था मैंने तुम्हें तो मैंने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा यकीन करो तारा, सब ठीक हो जाएगा। दीपक प्लीज आप यहां से चले जाइए, मुझसे मिलने मत आइए यहां। अगर देवयानी के कारण मैं होटल नहीं आ सकती तो आपको भी यहां आने की कोई जरूरत नहीं, देवयानी से झूठ बोलकर। ये तो कोई बात नहीं हुई तारा, अगर तुम होटल नहीं आ सकती तो इसका ये मतलब नहीं कि हम मिल ही नहीं सकते। मैं तो यहां आ सकता हूँ लंच के लिए, या फिर शाम को यहां आ सकता हूँ, हम सारी शाम साथ में बिता सकते हैं। नहीं दीपक, मैं आपसे मिलना नहीं चाहती, ना ही होटल आऊंगी अब कभी। आपको क्या लगता है लोग हंसेंगे नहीं मुझ पर? आज मैंने खुद सुना है फोन पे एनी और जॉर्ज को हमारी प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए। मजाक थोड़े है कोई, वो भी समझते हैं सब कुछ। बिल्कुल वो समझते हैं, और इसीलिए अगर जानते भी हैं तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, उनको भी पता है कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि सारी दुनिया ये जाने कि देवयानी के डर से मैं होटल नहीं आ रही हूँ। एक 8 साल की बच्ची का बाप उससे ये कहने से डर रहा है कि वो अपने अपने होटल में काम करने वाली एक लड़की से प्यार करता है। तारा। हाँ दीपक, डरपोक हैं आप, कायर हैं, और आपके इस डर का भुगतान कर रही हूँ मैं, और मैं आपसे बता देती हूँ कि अब ये सब कुछ मुझसे झेला नहीं जाता। प्लीज कम से कम कुछ तो सोचो। बहुत सोचा है मैंने दीपक, बहुत, और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आप में हिम्मत हो तो मैं देवयानी का दिल भी जीत सकती हूँ। नहीं जीत पाओगी तुम तारा, बिल्कुल नहीं जीत पाओगी तुम। क्यों नहीं? इसलिए कि आपसे नहीं हो पाया, आपसे होगा भी नहीं, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है। You don't have guts. तारा, बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो होगा। सिर्फ इसलिए कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप चाहते हैं हम सब लोग तड़पते रहें। कितने कितने खुदगर्ज हैं आप, कितने selfish। मैं खुदगर्ज नहीं हूँ। I'm not selfish. अगर मैं selfish होता तो मैं इस वक्त यहाँ ना होता, आराम से अपने ऑफिस में बैठा होता। अरे मुझे क्या परवाह, मुझे तो मालूम था कि आज नहीं तो 10 दिन के बाद तुम आओगी। अरे मुझे इससे क्या मतलब कि तुम पर क्या बीत रही है? आपको मतलब है भी नहीं, आप यहाँ मेरे लिए थोड़े ना आए, अपने आप के लिए आए हैं, क्योंकि आपको डर था कि कहीं आप मुझसे मिलने ना आए तो शायद दोबारा कभी ना मिल पाए, खो देंगे मुझे। लेकिन एक बात मैं आपको साफ कह देना चाहती हूँ, आप मुझसे मिलने आए या ना आए, मैं अब दोबारा होटल कभी नहीं आऊंगी। यूं मुंह फेर लेने से कुछ नहीं होगा तारा,
मुझे खुदगर्ज कह रही हो? अरे खुदगर्ज तो तुम खुद हो और जिद्दी भी। देखो हम दोनों के बीच में प्यार जरा भी कम नहीं है। लड़ाई सिर्फ हमारी ईगोस की है क्योंकि अचानक तुम्हें लगने लगा है कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो। देवयानी और मेरे बारे में तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं, यहां तक कि तुम खुद को भूल चुके हो। तुम्हें सिर्फ अपना अहम नजर आता है और वो चाहता है कि मैं जाकर अपनी नन्ही सी बच्ची के दिल को दुखाऊं ये कहके कि हम दोनों के बीच में क्या है। तारा, अगर मैं तुमसे भी पूछूं कि मैं अपनी बच्ची के दिल को चोट पहुंचाऊं तो तुम भी मना ही करोगी ना? दीपक, आपको जो सोचना है सोचिए, लेकिन जब तक आप देवयानी और मुझे एक साथ फेस करने की हिम्मत नहीं करेंगे, होटल में मेरी इज्जत नहीं होगी, मैं वहां कदम नहीं रखूंगी। सोच लो तारा। सोच लिया है तो तुम बस और कुछ मत कहिए, बस चले जाइए यहां से। ठीक, अगर तुम ऐसा सोचती हो और यही तुम्हारा फैसला है तो ठीक है, I'll see you। ठीक है, लेकिन आइंदा से एक बात का ख्याल रखिएगा जी। ऑफिस के बाहर किसी से मिलना हो तो ऑफिस में फोन करके कभी भी किसी से टाइम फिक्स मत कीजिएगा। आई ना बात समझ में? जी, लेकिन मैं और क्या करती, आपसे कांटेक्ट करने के लिए और कोई तरीका ही नहीं था मेरे पास। है जो है सो है, अब बताइए बात क्या है। बात तो आप भी जानते ही है हनीफ साहब। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, आप बताइए बात क्या है। मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपने फोन पर एसपी साहब को दी थी। इन्फॉर्मेशन? लेकिन उस इन्फॉर्मेशन से आपका क्या लेना देना है? लेना देना तभी तो, पहले एसपी साहब ने मुझसे कहा कि गोविंद पर जिन्होंने गोली चलाई है उनका पता लग चुका है, उसके बाद उन्होंने बात घुमा दी। इसका कोई तो कारण रहा होगा। ये बात तो मुझे भी समझ में आ गई है कि आप लोगों को उन लोगों का पता चल गया है, लेकिन मुझसे बात छुपाई जा रही है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, ना तो हमें कुछ पता चला है ना आपसे कोई बात छुपाई जा रही है। वाकई? क्यों, क्या कोई शक है? आपको इन्फॉर्मेशन देने का क्या लेंगे? बच्चों वाली बात मत की, मैंने कह दिया ना हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप सिर्फ मेरी बात का जवाब दीजिए, आप वो इन्फॉर्मेशन देने का क्या लेंगे? 50,000 लगेंगे। 50,000? क्यों, ज्यादा है? हा? भाई अपना तो यही रेट है, अगर आपके बस में नहीं तो रहने दीजिए। जब छोटे से पोखर में ही डुबकी नहीं लगाई तो बड़े समुंदर में छलांग लगाने का फायदा? नहीं नहीं, मैं करूंगी पैसों का इंतजाम चाहे जो हो। तो हम भी आपको दे देंगे इन्फॉर्मेशन चाहे जो हो। कब चाहिए आपको पैसा? जब चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन। 50,000 कहाँ से आएंगे, किससे मांगूं? मुझे किसी भी तरह पता लगाना है उन गुंडों का। तारा के पास में आधे भी होते तो मुझे कहीं से पूरे करके दिलवा देती, दीपक से तो नहीं मांग सकती मैं। और किससे? शीना से मांगूंगी तो उसके होश उड़ जाएंगे। हाँ, रोहित या डैनी, लेकिन नहीं, वो भी हमारे लिए बहुत कर चुके हैं। फिर कहाँ से लाऊं, देगा भी कौन मुझे, कौन? देखो बॉस, आखिर मुझे भी इस बात का जानने का हक है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। शीना वैसे तुम लोगों के झगड़ों के बारे में बताती रहती है, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं जिसकी वजह से तारा ने ऑफिस जाना बंद कर दिया। रहने दो यार, दरअसल तारा और मेरा रिलेशनशिप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां इसके बारे में हम जितना ज्यादा डिस्कस करते हैं ये उतना ही बिगड़ता जाता है। अब इस मुकाम पर पहुंचकर और कोई चारा भी तो नहीं है, मैंने तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया। अगर हुआ क्या है? वही यार। क्या? छोड़ो रोहित, कोई फायदा नहीं है यार, क्योंकि इस प्रॉब्लम की कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ओहो, बोलो तो सही। क्या बोलूं यार, देवयानी आई हुई है छुट्टियों में,
ठीक है फिर? वो कहती है कि रोज मुझे होटल लेकर चलो, अब उसको मना तो नहीं कर सकता ना। हाँ फिर? हाँ लेकिन तारा को तो मना कर सकता हूँ, उसे तो कह सकता हूँ कुछ दिनों के लिए होटल मत आए, वो तो समझ सकती है ना। अगर वो ही नहीं समझेगी तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बच्ची देवयानी समझ जाए। लेकिन दीपक इसमें तारा की भी गलती नहीं, उसे थोड़ी पता था कि तुमने देवयानी से सब छिपा रखा है, वो तो ये भी नहीं जानती है कि तुम उससे अब भी मिलते हो, उसे तो झटका लगेगा ही। किसी आदमी के पीछे से निकल कर आओ और चिल्लाओ और ये एक्सपेक्ट करो कि वो रिएक्ट भी ना करे, इट्स नॉट पॉसिबल। देखो मेरी राय मानो, अभी भी तुम आराम से उससे बात करो कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। कि यार बात सब बात की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक तरफ तारा है जो एक बच्चे की तरह होटल को संभाल रही है, मैं कभी कभी काम करते करते थक जाता हूँ लेकिन वो दिन रात लगी रहती है, होटल से भी उतना ही प्यार करती है जितना मुझसे। और दूसरी तरफ देवयानी है, उस बेचारी का भी कोई कसूर नहीं, बहुत कुछ झेला है उसने और ऊपर से उसकी माँ उसे छोड़कर चले गए। अरे उसे तो ये भी नहीं मालूम कि उसकी माँ उसे क्यों छोड़कर चले गए, और ये भी नहीं मालूम कि तारा अब भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, कि मैं अब भी उससे मिलता हूँ। हालांकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं तारा से नहीं मिलूंगा, लेकिन जब जब उसने मुझसे पूछा मैंने उससे झूठ बोला। अब तारा की प्रेजेंस में मैं कैसे ले जाऊं उसको होटल? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। लेकिन दीपक तुमसे गलती उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुमने अपने और तारा के संबंधों के बारे में देवयानी से झूठ बोला और तारा को ये बात नहीं बताई। कम से कम तारा को तो ये बात बता देनी चाहिए थी, अब अचानक ये बात जान लेने के बाद उसको धक्का लगना वाजिब है। जानता हूँ रोहित, लेकिन जो होना था वो तो अब हो ही गया ना। कम से कम तारा को तो समझना चाहिए, बेचारी देवयानी को क्या समझा सकता हूँ मैं, या फिर सिर्फ एक शेर को खुश करने के लिए एक नन्हे से खरगोश की जान ले लूं। देखो रोहित, चॉइस अगर इन दोनों के बीच में है कि तारा का दिल दुखाऊं या देवयानी का, तो मैं तो तारा का ही दिल दुखाऊंगा, क्योंकि कम से कम वो अपने घाव पर खुद तो मरहम लगा सकती है। बेचारी देवयानी के घाव पर मरहम लगाने कौन आएगा? मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार देवयानी से बात कर लेनी चाहिए दीपक। नहीं रोहित, तुम नहीं समझ रहे हो, जब मेरी तरह बाप बन जाओगे ना तब समझ जाओगे। मैं देवयानी को कुछ नहीं बता सकता, किसी भी सूरत में नहीं बता सकता। मेरे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय उससे झूठ बोलने के। ठीक है पापा, ठीक है, देख लिया मैंने, अब आप भी देखना। आपको चाहे जितनी अच्छी लगती हो तारा, उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी, अगर देखी तो थूकूंगी उस पे। पापा ये मत सोचना कि मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में। हेलो,